हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, मींस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज में क्या है कि इसकी अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। इसमें जो मेन काम करना है आपको वो है डायग्राम। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया देन यू कैन इजीली सोल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ ए स्क्वायर एट फर्स्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद क्या कहा हुआ था, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसकी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मान लीजिए कि ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया और इसके तीनों साइड ही इक्वल रहेंगे, मतलब कि जो इक्विलेटरल की ट्रायंगल रहेगी वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। और ये जो पॉइंट है ये आपका मान लीजिए पी पॉइंट, ओके। नाउ एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स कि इसके एक डायगोनल के ऊपर बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बनी है इस ट्रायंगल का एरिया इसके डायगोनल के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। मतलब हमें यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। सपोज दिस पॉइंट इज क्यू। अब डायग्राम बन गया हमारा। डायग्राम बनने के बाद में आप क्वेश्चन को समझो। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि जो ए पी बी ट्रायंगल हमने बनाई, ए बी के ऊपर जो हमने ट्रायंगल बनाई है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमने बी डी डायगोनल बनाया और बी डी डायगोनल के ऊपर एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, मतलब ये तीनों साइड इसकी रहेंगी इक्वल। मतलब अब जो हमारी ट्रायंगल है बी डी क्यू, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पी बी ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो अब देखिए, इसका हम एरिया का रेशियो चाहिए हमें। तो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो हम इनकी साइड्स का रेशियो करके उसका स्क्वायर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरियाज का रेशियो। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ए पी बी ट्रायंगल एंड बी डी क्यू ट्रायंगल बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, बिकॉज दीज बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल बी डी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो तो ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी क्यू, ओके। और अगर सिमिलर होगा तो हमें पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा हम अप्लाई करते हैं। हम अप्लाई करते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब होगा कि ए बी ए पी बाई बी डी रेज टू पावर ऑफ टू इक्वल्स टू ए बी बाई बी क्यू रेज टू पावर ऑफ टू। तो तीनों साइड यहाँ पे इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और एक साइड से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो पी बी बाई डी क्यू रेज टू पावर ऑफ टू आप ऐसे लिख लेंगे। अब अगर हमारे पास इन साइड्स का रेशियो आ जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि उनका जो एरिया रहेगा उसका क्या रेशियो रहेगा और हम वो इजीली प्रूव कर देंगे। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे इनका साइड्स का रेशियो यहाँ से। सो ऑल ऑफ अस नो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो इसकी साइड मान लीजिए ए है, ओके, ए साइड। तो इसकी अगर ए साइड होगी तो इसकी भी तीनों साइड ए होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पी बी की। और अगर इसकी एक ट्रायंगल अगर इसकी साइड ए है ए बी सी डी की, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स डायगोनल बी डी। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, रूट टू इंटू साइड, मतलब रूट टू ए हो जाएगा यहाँ पर इस केस में। अगर रूट टू ए हुआ इट मीन्स कि ये जो नीचे वाली जो ट्रायंगल रहेगी इसकी तीनों साइड कितनी होंगी स्टूडेंट्स, रूट टू ए। तो हमारे पास इनकी साइड्स का रेशियो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अब, ठीक है। हमारे पास इसकी साइड्स आ गई ए बी बाई बी डी। तो अब देखिए ए बी ए पी बाई बी डी, तो ए पी यहाँ पर होगी कोई भी साइड इन तीनों में से, ठीक है, और बी डी हमारी है ये साइड रूट टू ए। तो अब इनकी वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा देखिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्यू इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू ए रेज टू पावर ऑफ टू, ओके। ए पी को हमने रिप्लेस कर दिया ए से। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं एस ए पी इज इक्वल्स टू वन एंड बी डी डायगनल इज इक्वल्स टू रूट टू ए, ओके।
अब ए से कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/√2 रेज पावर ऑफ 2, और ये आपका इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी बी बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी क्यू इज इक्वल्स टू 1/√2 स्क्वेयर करेंगे तो 1/2। और हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स दैट एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी क्यू। ठीक है, सो ये जो बी डी क्यू ट्रेंगल थी इसको हमने इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था। ओके, सो ऐसे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखो इसमें आपको मेन कहाँ ध्यान रखना है, ये जो डायग्राम बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपने सही तरीके से बना लिया तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन 7 नंबर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और समझ में भी आया होगा। सो इस वीडियो में इतने स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ और अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, थैंक यू।